इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 असेंबली इलेक्शन 2019 महाराष्ट्र विधानसभा महाराष्ट्र सरकारी बैंक घोटाला। शरद पवार ने कहा मुझे जेल जाने से दिक्कत नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी और एनएसए डोभाल पर हमला, जेश का विशेष दस्ता। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 सीएम खट्टर की चुनाव आयोग में भी शिकायत। सरकारी तंत्र का कर रहे हैं दुरुपयोग। कांग्रेस ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए आज चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और एक ज्ञापन आयोग को सौंपा। विधानसभा चुनाव असेंबली इलेक्शन 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने इसी सप्ताह कर सकता है। महाराष्ट्र के साथ हरियाणा की चुनावी तारीखें जारी की जाएंगी। 2014 में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव की तारीखों की घोषणा 20 सितंबर को की गई थी। 15 अक्टूबर मतदान के बाद 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। तब दिवाली 23 अक्टूबर की थी और इस बार दिवाली 27 अक्टूबर की है। ऐसे में दोनों राज्यों में त्योहार से पहले नई सरकार का गठन हो सकता है। महाराष्ट्र सरकारी बैंक घोटाला। शरद पवार ने कहा मुझे जेल जाने से दिक्कत नहीं। 25 करोड़ के मामले में दर्ज हुआ है केस एनसीपी सुप्रीमो। शरद पवार ने कहा है कि उनके दौरों में जनता से मिल रहे समर्थन की वजह से यह कार्रवाई की जाने की आशंका है। शरद पवार, उनके भतीजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार व अन्य के खिलाफ धनाशोधक का आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह मामला मुंबई पुलिस की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और एनएसए डोभाल पर हमला कर सकता है, जैश का विशेष दस्ता। कश्मीर पर दुनिया भर में अपनी हार से बुरी तरह बौखलाए पाक के पास आतंक का सहारा ही बचा दिख रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मेजर इस सनसनीखेज हमले की तैयारी में जैश ए मोहम्मद की मदद कर रहा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद दुनिया देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।